देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ इशिका गुप्ता। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। अब देश की तेल कंपनियों ने भी चेतावनी दे दी है कि तेल उद्योग पूरी तरह से बिखरने की कागार पर पहुंच गया है। इतना ही नहीं, कंपनियों का कहना है कि पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं बचे हैं, इसलिए रुपए की कीमत लगातार गिर रही है, जिससे उद्योग संकट का पाकिस्तान को सामना करना पड़ रहा है। तेल कंपनियों ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भेजे गए पत्र में कहा है कि कुछ ही दिनों में देश का तेल उद्योग पूरी तरह से तहस नहस और ठप हो जाएगा। बता दें कि शहबाज शरीफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मदद का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि पाकिस्तान को फिलहाल IMF से कोई भी मदद मिलने की संभावना नहीं है। बता दें, यह पहली बार है कि जब पाकिस्तान इतने बड़े तेल संकट से गुजर रहा है। पेट्रोल कंपनियों पर ताला लगाने का मतलब होगा पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो जाना। जानकारी के मुताबिक कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने कई बार IMF से फिलहाल मदद की गुहार लगा दी है, लेकिन IMF ने पहले ही पाकिस्तान सरकार को साफ साफ कह दिया था कि वो खर्च कम से कम करे और अपने सरकारी खजाने को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करे। IMF ने पाकिस्तान से हाल के दिनों में दिए गए सभी निर्देशों को पूरा करने के लिए कहा था, लेकिन फिलहाल अभी तक पाकिस्तान इन सभी चीज़ों को पूरा नहीं कर पाया है। देखा जाए तो पाकिस्तान के हालात लगातार दिन पर दिन गिरते जा रहे हैं और काफ़ी ही पेचीदा और ख़राब हो गए हैं। पाकिस्तान में कभी आटा संकट दिखता है तो कभी सब्जियों के दाम इतने ऊंचे हो गए हैं कि लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, और अब तेल संकट भी पाकिस्तान के सर पर मंडराना शुरू कर चुका है। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ही ताजा तमाम बड़ी अपडेट से हमेशा जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com।